हाँ सरकार बन गई, अब सबको लोग को रोजगार मिलेगा, लाखों करोड़ों को रोजगार मिलेगा। जिस तरीके से तेजस्वी जी ने, इधर देखिए ना, तेजस्वी जी ने जिस तरीके से कहा था कि 10 लाख रोजगार देने का काम होगा, अब वो समय आ गया है कि बिहार में जिस तरीके से खेला हुआ है और उस खेला का रिजल्ट ने दिखाने का काम किया है। आपने ही सबसे पहले नो एंट्री का लगाया था और आपने ही सबसे पहले नो एंट्री का बोर्ड भी हटाया था, तभी एंट्री हो गया। और आपने ही सबसे पहले ये भी कहा था कि भाई बात हो गई है, सरकार बनने जा रही है, तो सरकार तो बन गई, अब काम करना है, बिहार को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम कर रहा है। लेकिन आपको लगता है कि बीजेपी शांत बैठेगी, ईडी है, सीबीआई है? एक मिनट, अरे रोको ना यार, ईडी या सीबीआई से हम लोग डरने वाले हैं क्या? अगर हम लोग गलत काम नहीं किए हैं तो क्यों डरेंगे? हम नहीं डरते हैं। ईडी या सीबीआई से क्या डरना है? ये तो भाजपा सरकार ईडी या सीबीआई निर्दोष लोगों के ऊपर जो करने का काम किया है, इससे जो नौ युवक नौजवान है ये देखने का काम किया है कि किस तरीके से ईडी या सीबीआई को लगाने का काम किया है। उन्होंने तो सिखाने का काम किया कि जब महागठबंधन की जब सरकार पूरे तरीके से जब नरेंद्र मोदी की दिल्ली से सफाया होगा तो वो भी वही काम करेगी। लेकिन आपको लगता है कि राजभवन से नेता आएगा, क्योंकि अभी तक तो कुछ दिया नहीं गया है? राजभवन से टाइम मिलेगा जल्दी ओथ के लिए? नहीं, टाइम तो मिलेगा ही, टाइम तो मिलना ही है, सरकार तो बनाना है। सरकार शासन की बात भी कही जा रही है कि अगर ऐसा हुआ तो बिहार में बीजेपी राष्ट्रपति शासन लगा देगी। क्या लगाएगी नहीं लगाएगी, अभी तो फिलहाल जनता है ना मालिक, जनता चाहेगी तो 2 मिनट में बीजेपी को बुखार छोड़ा देगी। आप क्या बनेंगे? अब जो भी योगदान मिलेगा हम उसको स्वीकारेंगे और उसको काम करना है जनता के लिए।